यहाँ पे मुझे दिखे ही सालों कितने सारे हो रहे हैं। काम तो कम किया पर काम बढ़ाने के लिए कुमार लगा दिए और इनको निकालना पड़ेगा। वाव, काफल ही काफल, काफल ही काफल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। सो गाइस, नए दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। दिन चढ़ चुका है, मतलब 9 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं खेत में गेहूं काटने। ये है पानी की बोतल। मैं और बुआ जा रहे हैं, मम्मी गई है जंगल पत्तियां झाड़ने के लिए। यहाँ पे है घास रखी हुई। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले गाय को आते या जाते गाय की देखभाल, मतलब गाय को घास आस डाल के जाते हैं। चाची क्या हुआ? पा आपके लिए पान आ रहा। आज हमारा पानी बंद हो गया तो खाली बर्तन लेके आ रही है चाची। सब पे दी गाय ने। अच्छा यहाँ के बच्चों को स्पेशली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहीं भी बड़े हो जाते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं। ये ऐसे घूम रहा है। जौ की खेती थी, थोड़ा सा जौ लगा रखे थे जो कि मम्मी ने कल काटे हैं। मिर्च की क्यारी के साथ में चूहे का बिल देखो खेतों में, क्योंकि गेहूं और जौ है उनको खाने के लिए। गाइस आगे अपने खेत में और उधर है, यहाँ पे देखो बिच्छू हो रखा है। ऐसे जाना पड़ता है, अरे एक पेड़ यहाँ पे भी है, जिस पेड़ की बात करी वो पेड़ यहाँ पे है खुमाने का। इसमें पानी डालना पड़ेगा शाम को। फिर मेरी जो सेल्फी स्टिक है वो टूट गई है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब कुछ जुगाड़ देख के हैं, वरना पहले काम कर लेते हैं फिर निकलते हैं। बुआ नीचे काटने लग गई गेहूं, ऊपर ऊपर से गेहूं को अलग कर रही है और मैंने ये थोड़ा घास काट दिया। बाकी मैं थक गई हूँ, बस इतना ही हो सकता है। तो गाइस मैं काट रही थी घास और यहाँ पे मुझे दिखे हिसालू। आपने देखे होंगे पहाड़ी, ये देखो कितने सारे हो रहे हैं। हम इनको खाते थे स्कूल टाइम में, बहुत ज़्यादा खाते थे ये। हिसाब आ रहे हो, बड़े टेस्टी होते हैं। खा भी रही हूँ साथ साथ में। इतना काट दिया हमने और अब बुआ ऊपर वाले खेत में काट रही है घास। ये गाय के लिए बांध दिया है। हाँ उधर मनीष मयंग आवाज लगा रहा है। यहाँ पे विनीता भी आ गई है, अपना जौ काट रही है ये खेत में पूरा। इसका जो है उधर तक सारे खेत में इसके जौ पक गए हैं। ये आड़ू भी लगे हैं इधर और मैं यहाँ पे खाने आई हूँ जरा हिसालू। मैं गई थी ऊपर हिसालू खाने के लिए और ये देखो मेरे पैर में लग गए हैं कुमार। है यार कुमार लाके दिया अग्नि से, ये पूरे निकालने पड़ेंगे मुझे अभी। और ये इस तरह चुभते हैं ना, इसमें इतना टाइम लगता है निकालने में, क्या बताऊं। अब काम तो कम किया पर काम बढ़ाने के लिए कुमार लगा दिए हैं, अब इनको निकालना पड़ेगा। तो गाय के लिए घास बना दिया, अब ले जाएंगे इसको। पानी अब जाते हैं घर को। गेहूं तो सारे खा रखे हैं कीड़े ने। अब हम ये मैं पानी की बोतल और इतने गेहूं लेके चलती हूँ घर को। बिच्छू भी लग गया हाथ में घास काटते काटते। हर्षित इतने पानी तो ब्याह का याद दी वह इतनी इतनी हो जितनी मैं ठहर सा जाएंगे हम। देखो गाय सीधी आवाज दे रही है लाओ घास करके, और धूप भी तेज हो गई है तो इसको 11 बज गए, अब अंदर ही रखेंगे। तो गाइस पुलाव बना है आज, लंच करते हैं और
नहा धो लिया है, गर्मी है। सुबह सुबह नहीं नहाते क्योंकि पहाड़ में तो यहाँ पे सुबह ठंडा ही होता है, दिन में थोड़ा धूप है, हवा चल रखी है, इतना भी नहीं है कि फैन एन की ज़रूरत या एसी की ज़रूरत पड़े। तो अभी भी कितनी बढ़िया शानदार सी हवा चल रखी है ये। सो गाइस, कमरे में बैठे हम खाना खा रहे हैं और ये आशा लेके आ गई है काफल। इसमें डाल रखा है नमक, मिर्च, थोड़ी सी चीनी, सान के मुंह में पानी आ रहा है। ये देखो ये काफल। सो गाइस, ये बच्चे हैं, ये सारे जा रहे हैं काफल तोड़ने के लिए। ये खा भी रहे हैं, पहले सुबह तोड़ के लाए, सान के काफल सान के खा भी लिया, अब दोबारा जा रहे हैं खाने के लिए। अच्छे अच्छे तोड़ लाना है। हाँ बताना मेरे को। खाना पीना हो गया है और ये बुआ धो रही है कपड़े हाथ से, और इधर को मम्मी धो रही है बर्तन खाना खा के। मैं कर रही हूँ आराम यहाँ पे। ये घर का लहसुन, घर उठ जी तो है साफ कर रही है। सुखा हा कब खोदा? अच्छा ये है घर का लहसुन, कितना बढ़िया शानदार हो रखा है, कितने मोटे मोटे पीस हो रखे हैं इसके। और अब ये सुखाएंगे, धूप में डालेंगे इसको। ये सब्जी के लिए मटर लाए थे, सारी सूख गई है, ये अभी रखी है इधर। और इधर लगा रखे हैं ककड़ी, लौकी, कद्दू के बीज लगा दे। चखे तेरे काफल कैसे लगे? बढ़िया लगे काफल। मिर्च का तो खिर रखी थे लो में, मिर्च जिनकी थी म्यार में, लून मिर्च हर चीज क्या ही नहीं, सिंपल काफो भेजे बस। की हल्की धूप लगी है, इतना गर्म नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सो गाइस, ये दिन का मौसम है और सूरज देखो कितना बढ़िया, बिल्कुल छाया हो रही है। सो गाइस, दो दो घंटे सोने के बाद में अब उठ के आ रहे हैं मैं और ये गधा। थोड़ी आज नहीं पिया फिर जो ये नहाती भी गर्म पानी से है गर्मी के दिनों में। गर्म पानी किया है इसने नहाने के लिए आज। ठंड पानी नाचू मम्मी पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। कल थोड़ा सा हमने काटा था, आज मम्मी काट रही है इसको आगे को। सो गाइस, सो गाइस शाम की चाय पी रहे हैं हम लोग और ये तो सुकून बना ला था तुमने। कहाई लगी चौथ क्या नहीं रहे मम्मी मिश्री की कटक के साथ पी रही है ये। है और सबकी अलग अलग चाय है, देखना मम्मी की चाय पतंजलि वाली, बुआ की चाय दूध वाली, और मेरी चाय जो है, अरे कथ है। मेरी चाय जो है ग्रीन टी। सबकी अलग अलग वैरायटी की चाय है यहाँ पे, पीते हैं आराम से बातचीत करते हैं। शाम की चाय, दिन भर आराम से मजे से सोए हैं सारे लोग और शाम हो गई है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत शाम को काम करते हैं, फिर क्या सो ही जाना है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग ये धनिया निकाल रहे हैं, हल्का हल्का धनिया निकल गया है। और ये आशा आ गई, क्या लाई? काफल। काफल लाई? हाँ। दिखा दो आजकल, देखो वाव वाव, काफल ही काफल, काफल ही काफल। अब ये देखो धनिया का काम हो रहा है, साथ में काफल भी खाए जा रहे हैं। तो गैस देखो कितनी हवा चल रही है शाम को, मम्मी वहाँ पे खोद रही है ताकि वहाँ पे मिर्च लगा सके, और मैं अपना काम कर रही हूँ बैठ के बाहर से ही। इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पर, इतना ठंडा लग रहा है मुझे, सोचा मैं पहले काम कर लेती हूँ अपना, ये भी ज़रूरी है, इसको देख लेती हूँ। बुआ ला गई है मिर्च, तू ये भानु आ गई, भानु इधर आ, ये क्या कर रखा है? ये देखो इसकी मम्मी गई है शादी में, इधर आ भानु जल्दी आ, कैसे बंदर जैसी बन के आई है। ये देखो इसको क्या बन के आई है, ये क्या लगाया मुंह में, ये क्या बन के आई है तू, ये है अच्छा खासा तैयार किया था दिन में, तक 2 मिनट छोड़ा क्या ये।